देवभूमि न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को प्रेमलता का नमस्कार। आज शिमला एजी ऑफिस के नज़दीक होटल गंगा में बैटिक एनजीओ द्वारा एक सभा बुलाई गई, जिसमें एनजीओ के सदस्य तथा वकीलों ने हिस्सा लिया। भिन्न भिन्न सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें मुख्यतः वकीलों द्वारा कहा गया कि इस कोविड महामारी के दौरान एडवोकेट फ्रेटर्निटी को सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है, उन्हें किसी तरह की आर्थिक सहायता मुहैया नहीं कराई गई है। उनका कहना है कि अभी तक कोविड-19 से उनके 10 साथी अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके साथ ही एनजीओ के प्रवक्ता द्वारा बताया गया कि वे पिछले 5 सालों से सामाजिक सेवा में जुड़े हुए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान उनके द्वारा समाज सेवा में दी जा रही सेवा, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना, राशन वितरण करवाना, सैनिटाइजेशन करवाना आदि बहुत सी सुविधाएं शामिल है। इसके साथ साथ उन्हें बहुत सी समस्या का सामना भी करना पड़ा। विस्तृत जानकारी आप उन्हीं से सुने। बात आती है वो पेशेंट्स जो कोविड पॉजिटिव थे, हॉस्पिटलाइज थे, हॉस्पिटलाइज होने के बाद जब आप उनको डिस्चार्ज करते हैं तो हॉस्पिटलाइज हॉस्पिटल से घर तक ले जाने में किस तरह की सुविधाओं का सामना और दिक्कतों का सामना परिवार को करना पड़ता है, पेशेंट्स को करना पड़ता है। ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहना चाहूँगा, आप आजमा के देख लीजिएगा, 108 एम्बुलेंस को आप फ़ोन कीजिए, वो फ़ोन कॉल लगती ही नहीं। 24 मई 2021 को मुझे एक फ़ोन कॉल आती है नीतीश चौहान जी की, कि उनके फादर सरदार सिंह जी, जिनकी उम्र 56 साल है, वो जुब्बल के रहने वाले, उनको रिफर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज करने के बाद उन्हें ये कहा गया कि आप अपने पेशेंट को ऑक्सीजन पर जुब्बल तक ले जाइए। समस्या उनके बीच में सबसे बड़ी यह थी कि ऑक्सीजन का सिलेंडर कौन मिल जाता है। उन्होंने रिपन अस्पताल में बात की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, रिपन हॉस्पिटल के, उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम आपको सिलेंडर मुहैया नहीं करवा सकते। तब कहीं जाकर उन्होंने हमारी एनजीओ कहीं से फ़ोन नंबर लिया और उनसे संपर्क किया। हमने उन्हें संजोली से एक पेशेंट को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मुहैया कराकर वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर छोटे वाला उन्हें दिया और वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाकर अपने फादर साहब को जुब्बल पहुँचा और वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास नेक्स्ट डे वापस आया। देवभूमि न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद।